नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीसी वेली हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, सीसी से आधार एनरोलमेंट या आधार से रिलेटेड सर्विसेज में काम करने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप सभी दोस्तों के लिए एक और बहुत बड़ी खबरी है, एक बड़ी गुड न्यूज है कि सीएससी ने हाल ही में एक और नया एमओयू साइन किया है, जिसके भीतर नया आधार बनाना हो, आधार में करेक्शन करना हो, आधार को सर्च करना हो, प्रिंट करना हो या बाल आधार बनाना हो, बहुत तरीके की जो सर्विसेज हैं वो उसके जरिए से मिलेंगी। ये सर्विस कौन कौन से स्टेट्स में लागू होगी और कहां के लिए क्या अपडेट है, कौन से वेली को मिलेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को चैनल बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए वीडियोज लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे इसके आगे की जानकारी देने के लिए मैं लेके आ गया हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे मैं आपको दिखा दूं कि सीएससी का आज की डेट में जो न्यूज़लेटर आया है 7 जून का, उसमें देखो आपको लिख के क्लियरली बताया गया है, सीएससी साइन एमओयू विद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर द आधार एनरोलमेंट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके भीतर कौन कौन सी सर्विसेज लाइव होंगी। तो यहाँ पे न्यू आधार एनरोलमेंट की सर्विस लाइव हो रही है, चाइल्ड एंड वुमेन एनरोलमेंट यानी कि जो बच्चों के आधार वगैरह बनते हैं उनके एनरोलमेंट का भी काम किया जाएगा, ई आधार प्रिंट होगा यानी कि आधार सर्च करके प्रिंट भी हो जाएगा, यूसीएल का भी उसके भीतर काम चलेगा यानी कि अपडेट वाला भी काम हो जाएगा, एडवांस सर्च का भी काम दिया जाएगा जिसके भीतर आप किसी को आधार वगैरह जो सर्च करना होता है उसको आप सर्च कर सकते हो एडवांस तरीके से, उसको चाहे आप जो है डेमोग्राफिक डाटा अपडेट के माध्यम से भी कर सकते हो, आधार बायोमेट्रिक अपडेट भी कर सकते हो, आधार सीडिंग भी कर सकते हो, उसका जो भी महिला बाल विकास जो विभाग है उसके भीतर जो भी डाटा बेस रहेगा, और आधार इनेबल्ड पेमेंट AEPS वाली सर्विस भी लाइव की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियरली बताया गया, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक दे दिया है वेली सोसाइटी की वेबसाइट पे, जहाँ से जाके आप इस आर्टिकल को हिंदी या इंग्लिश में अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हो, जहाँ पे देखो आप क्लियरली पढ़ पाओगे कि CSE SPV ने ऑफिशियल जो CSE की वेबसाइट है वहाँ पे आपको ले जाएगा, वहाँ पे देखो लिखा हुआ है CSE SPV ने मध्य प्रदेश में आधार नामांकन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समझौता किया है, महिला एवं बाल विकास निदेशालय राज्य में आधार का रजिस्ट्रार है, CSE की सेवा से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा, CSE आधार केंद्र आधार के तहत नागरिकों को नामांकन की सुविधा प्रदान करेगा, वो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी यानी कि जो भी आधार में करेक्शन वगैरह होते हैं उसके रूप में भी काम करेंगे। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप बात करते हैं कौन कौन से स्टेट की, तो अभी ये सर्विस केवल और केवल मध्य प्रदेश के लिए ही लाइव है, लेकिन महिला और बाल विकास विभाग जहाँ पे भी रजिस्ट्रार है, जहाँ पे भी इनको ज़रूरत रहेगी, अगर विभाग की तरफ से CSE के साथ में समझौता हो जाता है कि दूसरे स्टेट में भी इनको काम करवाना है, तो उसके बारे में भी आपको CSE की तरफ से नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन अभी की हालत में केवल और केवल MP यानी मध्य प्रदेश के ही वेली बंधु इसमें काम कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये अपडेट समझ में आ गया होगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों जरूर पूछिएगा। मिलता है ऐसा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।